नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 9.1, 10th क्लास बायोलॉजी। ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप अपने क्लास के सारे बच्चों के, सारे स्टूडेंट्स के कानों को देखो, उनके ईयर्स को देखो। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स। तो आप देखोगे कुछ स्टूडेंट के जो ईयर लोब है वो फ्री हैं, कुछ के ईयर लोब जो है अटैच्ड हैं। ईयर लोब क्या, जैसे ये आपका कान होता है, कान के अंदर का जो ये वाला भाग है जहाँ पर वो ईयर में वो ईयर ईयर रिंग वगैरह भी डालते हैं, ईयर में कुछ पिन वगैरह भी डालते हैं गोल्ड की या चांदी की, तो ये जो होता है ना, अगर ये जो है अलग है और ऐसे हिल सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री ईयर लोब, जो फ्री है, जो मूव कर सकता है। दूसरे टाइप की ईयर लोब ऐसी होती है जो फ्री नहीं होती, जो ऐसे इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकती, ठीक है, वो ऐसे कान माउथ के पास ऐसे फिक्स होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अटैच्ड ईयर लोब। ठीक है, ये है फ्री ईयर लोब, ठीक है, या और ये है अटैच्ड ईयर लोब। तो आपको देखना है किन स्टूडेंट की फ्री ईयर लोब है, किन स्टूडेंट की अटैच्ड ईयर लोब है। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ईच। और आपने ये कैलकुलेट करना है भाई, कितने परसेंट स्टूडेंट की फ्री ईयर लोब है, कितने परसेंट स्टूडेंट की अटैच्ड ईयर लोब है। ठीक है, जैसे फिगर 9.2 में दिखा भी रखा है, जैसे जो ए डायग्राम है ये फ्री ईयर लोब है, बी डायग्राम क्या है, अटैच्ड ईयर लोब। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड द ईयर लोब इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड इन सम ऑफ अस। कि जो लोअर पार्ट है वो कुछ लोगों के में क्या होता है, अटैच्ड होता है, चिपका होता है हेड के साथ, एंड नॉट इन अदर्स, और कुछ लोगों में ये फ्री होता है। फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर टू वेरियंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। कि इंसान की जनसंख्या में ये दो टाइप के वेरियंट मिलते हैं, मतलब दो टाइप के इंसान मिलते हैं, एक तो वो जिनका फ्री ईयर लोब होता है और एक टाइप के वो इंसान जिनकी अटैच्ड ईयर लोब है। यानी ये क्या है, एक करेक्टर है, एक गुण है ह्यूमंस के अंदर। फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब कहता है कि अब आपने जो स्टूडेंट देखे हैं उनके पेरेंट्स के बारे में सर्च करो कि उनके पेरेंट्स की अटैच्ड ईयर लोब है या फ्यूज्ड ईयर लोब है। मान लो एक स्टूडेंट है, उसकी फ्री ईयर लोब है, तो आपको उसके मदर और फादर के ईयर लोब का पता लगाना है, कि वो उससे पूछ करके या उनको देख करके पता लगाना है कि उनमें से उसके मदर फादर की भी फ्री ईयर लोब है या अटैच्ड ईयर लोब है। कोरिलेट द ईयर लोब टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो फिर आपको उनका संबंध पता करना है, कि आपको ये निकालनी है इंफॉर्मेशन कि अगर किसी के पेरेंट्स की ईयर लोब अटैच्ड है तो क्या उनके बेबीज की ईयर लोब अटैच्ड होगी या फ्री होगी, या अगर पेरेंट्स की ईयर लोब फ्री है तो उनके बेबीज की ईयर लोब फ्री होगी या अटैच्ड होगी। इस कैरेक्टर का पता लगाना है आपने कि पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में, बेबीज में कैसे जाता है। कोरिलेट द ईयर लोब टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। बेस्ड ऑन दिस एविडेंस सजेस्ट अ पॉसिबल रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ईयर लोब टाइप्स। और फिर आपको इस इनहेरिटेंस का एक रूल के रूल को लिखने की या रूल को समझने की कोशिश करनी है। एक वर्ड लिख कर देखो, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि पेरेंट्स में से कैरेक्टर बेबीज में ट्रांसफर होना। तो आपको एक रूल का पता लगाना है या आपको एक रूल बनाना है कि ये जो फ्यूज्ड ईयर लोब है या जो फ्री ईयर लोब है ये किस प्रकार से पेरेंट्स से बेबीज में जाता है। आपको इसका रूल बनाना है। रूल कैसे बनाना है, आपको ये बताना है अभी, अगर पेरेंट्स के फ्री होंगे ईयर लोब तो बच्चों में कैसे होंगे, ठीक है, अगर पेरेंट्स के फ्यूज्ड होंगे तो बच्चों में कैसे होंगे, एक रूल बताना है। तो आप क्या करो, आप जब इस एक्टिविटी को करोगे अपने क्लास में तो आप देखोगे ज्यादातर स्टूडेंट्स के कान जो है, ज्यादातर के पास जो है फ्री ईयर लोब है, और बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे आपको जिनके अटैच्ड ईयर लोब है। ये आप पूरी इंसानों में यही रूल होता है, इंसानों में यही हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास फ्री ईयर लोब होता है, बहुत कम है जिनके पास अटैच्ड ईयर लोब है। और तब अब आप देखोगे अगर किसी स्टूडेंट के फ्री ईयर लोब हैं तो इसका मतलब है कि उसके जो पेरेंट्स हैं। अब इस करेक्टर को समझने के लिए एक रूल बनता है। रूल क्या बनता है, इसको मैं आपको पेज पे समझाता हूं। कि
मान लो ये जो फ्री ईयरलोब का करेक्टर, इसमें पता क्या होता है, जो फ्री ईयरलोब का करेक्टर है ना, ये डोमिनेंट है, क्या है, जो ये फ्री ईयरलोब का करेक्टर है ये क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब ये ताकतवर है। और एक जो फ्यूज्ड या अटैच्ड ईयरलोब है, जो ये अटैच्ड ईयरलोब है, ये करेक्टर क्या है, वीक करेक्टर है। इसको क्या कहते हैं, रिसेसिव करेक्टर कहते हैं, रिसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट मतलब पावरफुल, और रिसेसिव मतलब वीक करेक्टर। तो क्या होता है, जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर दो जीन होते हैं हर करेक्टर के, ज्यादातर केसेस में ज्यादातर करेक्टर्स के दो जीन होते हैं। तो इसमें हम क्या मानते हैं, इसमें क्या रूल है, इसमें ये रूल है, अगर मान लो किसी कोई फादर है, उसके पास क्या है, फ्री ईयर लोब है, तो उसके पास कौन से जीन होंगे, कैपिटल एफ और कैपिटल एफ। कैपिटल एफ, कैपिटल एफ का मतलब क्या है, ये ऐसे जीन है जो फ्री लोब को क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, फ्री लोब बनाते हैं, ठीक है, फ्री ईयर लोब। और मान लो एक मदर है, और मदर में, मदर के जो कैरेक्टर हैं ईयर के, वो क्या है, अटैच्ड ईयर लोब है, यानी उसमें वीक जीन है, ठीक है। मदर है जो, मदर में जो जीन्स हैं वो क्या है, वीक जीन है, यानी कि स्मॉल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ मतलब मदर के अंदर क्या है, अटैच्ड ईयर लोब है, है। अब क्या होगा, जो इनके बेबीज होंगे उनके बेबीज में क्या है, एक जीन फादर से जाएगा, एक मदर से जाएगा। तो मान लो फादर से ये वाला जीन गया कैपिटल एफ, और मदर से चला गया स्मॉल एफ, या फिर फादर से ये कैपिटल एफ और मदर से ये वाला स्मॉल एफ। अब ये वाला एफ भी आ सकता है, ये वाला कैपिटल एफ और मदर से ये वाला स्मॉल एफ, तो एक कैपिटल एफ एक स्मॉल एफ, और ये वाला इसके साथ भी जा सकता है। तो चार टाइप के केस बन सकते हैं, चार टाइप केस बन सकते हैं, लेकिन चारों के चारों में क्या होगा, एक फादर से कैपिटल एफ जाएगा, एक मदर से स्मॉल एफ आएगा, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। इसका मतलब क्या है कि उनमें दोनों जीन है, एक फ्री ईयर लोब का भी है, एक अटैच्ड ईयर लोब का भी है। लेकिन क्या होता है, इसमें जो फ्री ईयर लोब का जीन है ना, ये ज्यादा पावरफुल होता है, और ये क्या करता है, अटैच्ड वाले को दबा लेता है। इसलिए क्या है, कौन सा करेक्टर शो होता है बेबी में, फ्री ईयर लोब का। तो यानी कि यहाँ जितने भी बेबीज प्रोड्यूस होंगे उन सब के ईयर्स में क्या होगी, फ्री ईयर लोब होगी, सब में फ्री ईयर लोब होगी, ठीक है। अब मान लो, ये मान लो एक बेबी था, ठीक है, इसकी मैरिज होती है, ठीक है, मान लो ये बॉय है, ठीक है, मान लो ये बॉय है, इसकी एक मैरिज होती है किसके साथ, एक एक फीमेल के साथ, सिंपल सी बात है, फीमेल के साथ। लेकिन उसके पास भी क्या है, उसके पास भी ये भी एक कैपिटल एफ एक स्मॉल एफ, यानी इसके पास भी फ्री लोब है और इसके पास भी फ्री ईयर लोब है। लेकिन अब इन दोनों के जो बेबीज होंगे उनमें क्या जा सकता है, एक तो कैपिटल एफ वाला करेक्टर जा सकता है और एक फादर से भी कैपिटल एफ कैपिटल एफ। तो इसमें क्या है, एक कैपिटल एफ एक कैपिटल एफ, दोनों कैपिटल एफ है, तो इसमें क्या होगी, फ्री ईयर लोब। दूसरी तरफ ये वाला कैपिटल एफ इस स्मॉल एफ के साथ भी कंबाइन हो सकता है, तो क्या आएगा, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। तो यहां भी कैपिटल एफ क्या करेगा, स्मॉल एफ को दबा लेगा, कैपिटल एफ पावरफुल है, तो इस बेबी में भी क्या होगा, फ्री ईयर लोब। अब ये स्मॉल एफ जो है इस कैपिटल एफ के साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। तो इसके अंदर भी क्या है, कैपिटल एफ है जो स्मॉल एफ को दबा लेता है, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, बेबीज का फ्री ईयर लोब होगा। और चौथा टाइप का कैसे बन सकता है, ये कैपिटल एफ ये स्मॉल एफ के साथ भी कंबाइन कर सकता है,
अगर ये इसके साथ कंबाइन हो गया तो बेबीज में दोनों स्मॉल एफ चले जाएंगे। अब दोनों स्मॉल एफ जीन चले गए तो दोनों के दोनों क्या है, अटैच, दोनों वीक जीन है, दोनों अटैच्ड ईयर लोब वाले जीन है, इनको दबाने वाला कोई नहीं है। तो यहां जो बेबी होगा उसमें क्या है, अटैच्ड ईयर लोब होंगे। तो इस तरह हमने क्या देखा कि जो फ्री ईयर लोब वाला कैरेक्टर है या जो जीन है ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये वाला डोमिनेंट है, मतलब पावरफुल है। लेकिन जो ये स्मॉल एफ वाला जो जीन है, यानी कि जो अटैच्ड ईयर लोब वाला जीन है, ये वीक है, यानी कि ये रिसेसिव है, ठीक है। तो अगर किसी के फादर का ईयर लोब फ्री ईयर लोब है और उसके पास दोनों के दोनों कैपिटल एफ जीन है, और मदर के पास अटैच्ड ईयर लोब है लेकिन मतलब दोनों स्मॉल एफ जीन है, तो जितने बेबीज होंगे सबके सबके क्या है, फ्री ईयर लोब ही होंगे, ठीक है। लेकिन वो बेबी जिसमें मदर और फादर दोनों से वीक जीन आया है, यानी अटैच्ड ईयर लोब वाला जीन आया है, तो सिर्फ उन बेबीज में क्या है, अटैच्ड ईयर लोब होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जैसा यहां पर इसके अंदर ईयर लोब के अंदर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो लॉ आगे आपने पढ़ा होगा मेंडल का जो लॉ है, जो मेंडल ने जेनेटिक्स में ला दिया था, वही वाला लॉ यहाँ पर लागू होता है, वही वाला लॉ अप्लाई होता है। जो मेंडल ने लॉ दिया था जो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के, जो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के ऊपर अप्लाई होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा बुक में, कैपिटल कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, वही वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये फ्री ईयर लोब और फ्यूज्ड ईयर लोब वाले पेरेंट्स और बेबीज में अप्लाई होता है। तो इस तरह आप किसी बेबी को देखकर बता सकते हो कि उसमें कौन से जीन है। अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे में अटैच्ड ईयर लोब है तो इसका मतलब समझ जाओ उसको मदर और फादर दोनों से स्मॉल एफ जीन मिला है, मतलब दोनों से अटैच्ड ईयर लोब वाला जीन मिला है, ठीक है। और अगर किसी बेबी के फ्री ईयर लोब हैं तो इसका मतलब है कि उसके दो केस हो सकते हैं, हो सकता है उसको मदर और फादर दोनों से फ्री ईयर लोब वाला जीन मिला हो, यानी कैपिटल एफ, तो भी उसके फ्री ईयर लोब होंगे। या दूसरे केस में अगर उसको मदर या फादर से एक बंदे से तो कैपिटल एफ मिल गया और एक पेरेंट से स्मॉल एफ मिल गया तो भी क्या है, उसके फ्री ईयर लोब ही होंगे। यानी कि फ्री ईयर लोब होने के लिए कम से कम एक कैपिटल एफ चाहिए, इसके दूसरी तरफ अटैच्ड ईयर लोब होने के लिए कम से कम दोनों के दोनों क्या है, स्मॉल एफ होने चाहिए, तभी अटैच्ड ईयर लोब होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि फ्री ईयर लोब के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट में फ्री ईयर लोब होता है। लेकिन अटैच्ड ईयर लोब के लिए दोनों वीक जीन होने चाहिए, दोनों स्मॉल एफ होने चाहिए, इसके चांसेस कम हैं, इसलिए कम लोगों में अटैच्ड ईयर लोब होता है, ठीक है। तो आप अपने क्लास में इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिले हैं। आप इनकी फिर परसेंटेज निकाल सकते हो कि कितने बच्चों के पास फ्री ईयर लोब है उनको काउंट कर लो, कितने बच्चों के पास अटैच्ड ईयर लोब है उनको काउंट कर लो। मान लो अगर आपकी क्लास में चार बच्चे हैं तो देखो तीन बच्चों में फ्री ईयर लोब है, तो यानी 75% तो फ्री ईयर लोब है, और एक बच्चे में अटैच्ड है तो 25% अटैच्ड ईयर लोब है। तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, आप उनके पेरेंट्स घर जाकर के उनके पेरेंट्स के भी ईयर को चेक कर सकते हो कि उनके केसेस में क्या है, और आप इस तरह से एक चार्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो ये थी एक्टिविटी 9.1। नमस्कारम एंड ऑल द बेस्ट टू यू।